ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में बेनी ने 5 गाड़ियां मॉडिफाई कर दी थी बिग माफिया के भाई के लिए, क्योंकि उसको खेलना था अरीना वॉर का टूर्नामेंट, और उस टूर्नामेंट को जीतने पर उसे मिलने वाले थे $1 बिलियन, और वो बंदा हमें उन 5 गाड़ियों के दे रहा था $250 मिलियन। तो सारी की सारी गाड़ियां जैसी मैंने उसे ले जाकर दी थी मॉडिफाई होने के बाद, तो उसने हमें $250 मिलियन देने से मना कर दिया, क्योंकि उसे 2 गाड़ियां पसंद नहीं आई थी और उसको लग नहीं रहा था कि वो हमारी गाड़ियों से टूर्नामेंट को जीत सकता है। तो उसने हमें बोला कि मैं $250 मिलियन तुम्हें तभी दूंगा जब तुम सामने वाले अपोनेंट टीम की एक गाड़ी चुरा लोगे, जिस गाड़ी की वजह से वो पिछले 4 साल से टूर्नामेंट जीत रहे हैं। तो देखो यार, $250 मिलियन कोई छोटी मोटी रकम होती नहीं है, और बिग माफिया के भाई को मार नहीं सकते क्योंकि उसके पास बहुत तगड़ी सिक्योरिटी है, तो वैसे मैं पंगा बेमतलब लेना नहीं चाहता। तो भाई यार देखो, उसके बाद मुझे लेस्टर का कॉल आया और लेस्टर ने मुझे ये बोला कि जो सेल्वाडोरन गैंग है और जो लॉस गैंग है, दोनों गैंग आपस में मिल गई है और इनका सबसे पहला टारगेट है माइकल ट्रेवर एंड फ्रैंकलिन को खत्म करना, ताकि ये लोग लॉस सैंटोस पर राज कर सकें। अब यार देखो, ये बात मुझे पता चल गई थी कि ये लोग अब मेरे पे अटैक करने ही वाले हैं, तो ये लोग मेरे पे अटैक करें उससे पहले मैंने इन पे अटैक कर दिया इनको हल्के में लेकर। बट यार सच्ची में लॉस गैंग तो बहुत ज्यादा डेंजरस हो चुके पहले से, मतलब यार इनकी जो फोर्स है ना पहले से इतनी ज्यादा बढ़ गया, क्या ही बोलूं भाई। मतलब एक के बाद एक बंदे मेरे पर अटैक कर जा रहे, पर फिर भी मैंने वहां पर काफी सारे बंदों को मारा। अब जैसे ही मैंने सारे बंदों को मारा ना, उसके बाद ये लोग इतनी सारी गाड़ियां लेकर मेरे पीछे पड़ गए कि भाई मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, मुझे भाई लिटरली वहां से भागना पड़ा। तो मैं सीधा भाग कर गया था अपने सीक्रेट बेस पर, क्योंकि यहां पर हमारे लिए काफी ज्यादा सिक्योरिटी है, और साथ में फ्रैंकलिन ट्रेवर एंड लेस्टर भी यहीं पर है, क्योंकि यार इस जगह पर हम लोग बहुत ज्यादा सेफ हैं, और इस टाइम पर हमें ना बहुत ज्यादा खतरा भी है बिग माफिया के बेटे से, लॉस गैंग से, और भी बहुत सारी गैंग है जिससे अपना पंगा चल रहा है। तो बिना फटाफट यार अभी मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं इसी चीज के बारे में कि लॉस गैंग का क्या करना है, फिर उसके बाद मैं सीधा जाऊंगा पैसे लेने अपने बिग माफिया के भाई से। तो चलो गाइस यार, 3, 2, 1 लेट्स गो। वैसे यार मुझे देखो ज्यादा दूर तो नहीं जाना, बट यार मेरे को ना अभी अपनी जेट्स की चलाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, क्योंकि यार ये जो मतलब सी शार्क है ना यार, बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से चलती है। अभी ना बस आप लोग यहाँ पर इसकी स्पीड देखते जाना, और जब लहरें आती है ना तो भाई ये फिर एकदम मस्त तरीके से जंप मारते, ये देखो कुछ इस टाइप से मस्त सी लगती है। तो अभी ना छोड़ो यार, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, वहां पर ट्रेवर फ्रैंकलिन एंड लेस्टर बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं कि लॉस गैंग को हमें कैसे खत्म करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो अभी फटाफट से मैं उनके पास चलता हूं, देखते हैं क्या बात चल रही है। और आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, ये जो लाइट हाउस है ना, ये एग्जैक्ट अपने सीक्रेट बेस के सामने ही है, तो ये जो लोकेशन है ना मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है, आपको कैसी लगती है कमेंट में जाकर जरूर बताना। तो अभी जल्दी से मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं, यहां पर मैं अपनी सी शार्क को खड़ा करने वाला हूं। अभी फटाफट से ना मुझे पानी में नहीं गिरना, क्योंकि यार ये जैसे हिलती है ना मैं पानी में भी गिर जाता हूं कभी कभार। फिलहाल ये देखो भाई साहब, उस साइड कूदना था, इस साइड नहीं कूदना था, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा बहुत नहा भी लेना चाहिए, वैसे यार नहाते तो डेली रहते हैं। तो अभी फटाफट से मैं घर पर वापस चलता, घर नहीं, ये अपना सीक्रेट बेस है, घर नहीं बोलूंगा इसे आज के बाद। तो गाइस अभी फटाफट से मैं अपने सीक्रेट बेस पर वापस चलता हूं, और यहां पर आप जितने भी लोग देख पा रहे हो ना, ये सारी की सारी अपनी सिक्योरिटी है, कोई ऐसे ऐरे गैरे बंदे नहीं है, ये सारी अपनी सिक्योरिटी है। फटाफट से मैं और ऊपर चलता हूं, यहां पर अपनी खड़ी हुई है लोकल वाली रेंज रोवर। तो चलो गाइस यार, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ना फटाफट से मैं अपने सीक्रेट बेस के ऑफिस में चलता हूं, वहां पर चलकर देखते हैं कि ट्रेवर फ्रैंकलिन एंड लेस्टर ने क्या प्लान बनाया है लॉस गैंग को लेकर। अब यार देखो, हमें ना इतना सोचना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि लॉस गैंग ना अभी तक हमें एकदम बच्ची गैंग लगती थी, और वो गैंग हमें देखकर भी डर जाती थी, और यार उनके पास ना एक छोटा सा क्लब हाउस था जिसके अंदर मेरे को लगता था कि उनके सिर्फ ऐसे 50 से 60 गैंग मेंबर रहते हैं। बट यार लास्ट टाइम मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इतनी सारी वैंस उनके पास कहां से आ गई, इतने सारे वेपन्स उनके पास कहां से आ गए, और साथ में इतने सारे गैंग मेंबर्स भी उनके पास कहां से आ गए। अब यार देखो, जिस भी गैंग पे सबसे ज्यादा गैंग मेंबर्स होते हैं वही गैंग सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। बट यार देखो, हमारी जो गैंग है उसके अंदर मेंबर्स तो कम है, बट यार जितने भी है बहुत ज्यादा खतरनाक है, खास करके अपना ट्रेवर। तो देखो भाई, सीधी सी बात है, मेरा लॉस गैंग और सेल्वाडोरन गैंग, दोनों ही गैंग को खत्म करना पड़ेगा, वरना यार माइकल ट्रेवर एंड फ्रैंकलिन तीनों की जान बहुत ज्यादा खतरे में रहेगी। फिलहाल मैं अभी आ चुका हूं यहां पर अपने ऑफिस में, बट यार यहां पर तो मेरे को कोई भी नजर नहीं आ रहा है, तीनों कहां पर चले गए, शायद से ना नीचे वाले ऑफिस में होंगे। तो जल्दी से मैं नीचे वाले ऑफिस में चलकर देखता हूं, और यार यहां पर ना इस वाले सीक्रेट बेस में अपने पास 3 ऑफिस हैं, तो जो भी चाहे जिस भी ऑफिस में बैठ जाता है, और जो हमने प्लानिंग के लिए बनाया जहां पर अपने सारे के सारे वेपन्स रहते हैं वो अपना नीचे वाला ऑफिस है। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो अंदर ये तीनों बैठे हुए हैं, और पीछे की तरफ में आप लोग को यहां पर सारे के सारे वेपन्स नजर आ रहे होंगे, और यहां पर अपना थोड़ा टीवी देखने का एरिया है। तो बिना जल्दी से अंदर चलकर देखते हैं कि आखिरकार अभी तक इन्होंने क्या प्लानिंग करी है लॉस्ट गैंग को लेकर। तो यहां पर भी फ्रैंकलिन अपना लैपटॉप चलाने में लगा, लेस्टर जो है पूरे के पूरे लॉस सैंटोस के मैप को एक बार स्काउट कर रहा है, और यहां पर आप लोग देख पा रहे हो ट्रेवर क्या कर रहा है भाई, ट्रेवर लैपटॉप नहीं चला रहा, ट्रेवर बर्गर खा रहा है बैठ के भाई। सच्ची में ट्रेवर को कहीं भी ले जाओ, वाइन या बर्गर और कुछ नहीं। तो चलो गाइस यार, अभी ना मेरी फिलहाल यहां पर लेस्टर से पूरी की पूरी बात हो चुकी है, और यार लेस्टर मुझे ये कह रहा है कि ये जो प्लान है ना लॉस्ट गैंग से बदल
बदला लेने का और उनको खत्म करने का। ये प्लान अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, जब तक तुम अपना डिस्कशन कर रहे हो, यहां पर मैंने ट्रेवर को कपड़े बदलने के लिए भेज दिया था, क्योंकि अभी मैं जाने वाला हूं सीधा बिग माफिया के भाई के पास, उससे $250 मिलियन की पेमेंट लेने के लिए, और साथ में ले जा रहा हूं ट्रेवर को, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने बंदों से मुझे मरवा दे और $250 मिलियन भी ना दे। इसलिए मैंने कहा चलो भाई अपनी सेफ्टी के लिए ट्रेवर चलेगा साथ में, और ट्रेवर को मैंने कपड़े बदलने के लिए इसलिए भेजा था क्योंकि यार देखो $250 मिलियन की पेमेंट और साथ में बिग माफिया के भाई के पास जा रहे हैं, उसके कपड़े इतने ज्यादा बेकार है ना पूछो मत। तो अभी देखते हैं कहां पर चला गया, बाहर वेट कर रहा था। ये देखो भाई सब कपड़े बदलने के बाद लगता है ट्रेवर इंसान। तो चलो कोई नहीं, अभी फटाफट से आ जा भाई पीछे, हम लोग भी यहां से निकलते हैं। तो देखो यार अभी ना मुझे लॉस सैंटोस में भी थोड़ा सा संभल के घूमना पड़ेगा, क्योंकि जो लॉस गैंग है और जो सेल्वाडोरन गैंग है ये अभी भी भाई बहुत ही बुरी तरह हमारे पीछे पड़े हुए हैं हमें मारने के लिए। वैसे यार कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, क्योंकि अभी अपने साथ चल रहा है ट्रेवर, और अगर इस बार उन्होंने हमसे पंगा लेने की गलती करी ना तो चाहे जितने मर्जी बंदे आ जाए मैं वहां से भूल कर भी भागूंगा नहीं। फिलहाल मुझे पता है लॉस सैंटोस में माइकल की थोड़ी बहुत बेइज्जती तो हो रही होगी, क्योंकि भाई उस टाइम हम लोग उससे बच के भागे थे, क्योंकि यार अपने पास कोई ऑप्शन था नहीं, हमारे पास थोड़े टाइम में गोलियां भी खत्म हो जाती, और यार मैं उनको कब तक मारता, इतने सारे बंदे थे भाई पूछो मत। तो भी जल्दी से गाड़ी में बैठ, रुक जा मैं पहले गाड़ी आगे कर लूं फिर बैठे ड्राइवर। तो चल भाई आजा ड्राइवर जल्दी से गाड़ी में बैठ। तो गाइस यार अभी मैं यहां से सीधा जाने वाला हूं सबसे पहले बिग माफिया के भाई के पास, उससे $250 मिलियन की पेमेंट लेने के लिए। उसके बाद वापस यहां पर आएंगे और देखेंगे लेसन ने प्लान बनाया कि नहीं बनाया, और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। तो अभी फटाफट आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अपनी जो रेंज है यार बहुत ही ज्यादा बढ़िया चलती है। तो अभी ना फटाफट मुझे अपनी गाड़ी को यहां पर लेफ्ट मोड़ना है, और ये डॉगी को और कोई जगह नहीं मिलेगा, एकदम सेंटर में खड़ा हो रखा है। खैर छोड़ो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी फटाफट यहां पर मैं अपनी गाड़ी को सीधा भगाने वाला हूं फुल स्पीड में, क्योंकि आपको पता ही है अपनी गाड़ी की पावर बहुत ज्यादा, अगर बाय चांस टक्कर हो भी जाती है तो अपने को इतना ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट से फुल स्पीड में भगाते भगाते मैं यहां से निकल लेता हूं। और ये पुलिस किसके पीछे पड़ी भाई, अपने पीछे तो नहीं पड़ी ना, चलो सही है अपने पीछे नहीं पड़ी। तो गाइस यार अभी ना मैं अपनी गाड़ी को भगाने के चक्कर में पूरा का पूरा रॉन्ग वे आ चुका हूं। वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां से ना एक छोटा सा यू टर्न है तो मैं डायरेक्टली दोबारा पीछे भी जा सकता हूं, और अगर अभी मैं मैप में ध्यान नहीं देता और सीधा अपनी गाड़ी को आगे भगाता हुआ चले जाता ना तो फिर मैं पता नहीं कब पहुंचता लॉस सैंटोस। वैसे यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस मुझे ना ये वाला जो रोड है सीधा जाना है, फिर सामने हाईवे आ जाएगा और फिर हम लोग सीधा निकल लेंगे लॉस सैंटोस के लिए, क्योंकि वो वाला जो हाईवे है वो बिल्कुल सीधा लॉस सैंटोस जाता है, और बस हमें आगे जाकर सीधा पहुंच जाना है अरीना और बिग माफिया के भाई से पूरी की पूरी पेमेंट ले लेनी है $250 मिलियन की। तो अभी बस अपनी गाड़ी को एकदम आराम से, ओ भाई 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 इतनी ज्यादा स्पीड में मत आ भाई, ये गाड़ी ना कभी कभार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वैसे लिटरली यार कार जो है ना बहुत ज्यादा बढ़िया, काफी ज्यादा हैवी वेटेड कार है, और अभी मैं अपनी गाड़ी को लेकर आ चुका हूं हाईवे पर। यहां पर ना एक बार टेस्ट करते हैं कि गाड़ी कितनी ज्यादा टॉप स्पीड पकड़ सकती है। तो देखो यहां पर अभी इस गाड़ी की स्पीड है वो चल रही है 219 238 चल रही है, तो अभी देखते हैं इसकी मैक्स स्पीड कितनी जाती है। मेरे हिसाब से 270 टच कर पाएगी, उससे आगे नहीं जा पाएगी, फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। बाकी हाईवे पूरा क्लियर है, मतलब कि ना दोपहर के टाइम पर थोड़ा सा कम ट्रैफिक होता है, बाकी अगर दिन में आओ तो ट्रैफिक भर के होता है। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल ये जो गाड़ी है 274 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, और भाई सही टाइम पर ये ब्रेक लग गई। और ये देखो रोड पर ना ये ड्रम इसलिए लगे होते हैं ताकि ना बंदा जो है डायरेक्टली आकर भिड़ ना जाए, इनकी वजह से ना गाड़ी को डैमेज कम पहुंचता है और जो अंदर वाला बंदा होता है ना उसकी जान भी बच जाती है, क्योंकि जितना भी प्रेशर होता है ना वो ये ड्रम्स वगैरह या फिर जो रबड़ होती हैं ये झेल लेती हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा सही रहता है, डैमेज कम पड़ता है, और ये हर हाईवे हर रोड पर लगा होना चाहिए। तो भी फटाफट से यहाँ से मैं गाड़ी लेकर निकल लेता हूँ सीधा लॉस सैंटोस। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो अभी मैं पहुंच चुका हूँ मेज बैंक अरीना, और ये वही वाला रोड है जहाँ पर लास्ट टाइम मेरी फाइट हुई थी लॉस्ट गैंग से। वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। अभी फटाफट से यहाँ से मैं अपनी गाड़ी को अंदर एंटर करवाता हूँ, और जो मेरी लैम्बोर्गिनी सियान है वो भी अंदर ही खड़ी हुई है, तो जल्दी से अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या बात है। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर नीचे वर्कशॉप में आ चुका हूँ, और यहाँ पर आप लोग को सारी की सारी अरीना व्हीकल दिख रही होंगी, कितना ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है सभी गाड़ी का। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो पीछे की तरफ में ये वो वाली गाड़ी है जो कि मेरे को सबसे ज़्यादा डेंजरस लग रही थी, क्योंकि इसके चारों साइड ब्रेड्स निकली हुई थी, लेकिन ये गाड़ी भी पूरी तरीके से ब्लास्ट हो चुकी है। और यहाँ पर ट्रक तो भाई जितना गोल्डन था आज उतना ही मेरे को ये ब्लैक दिख रहा है भाई, सब पूरा का पूरा फूक गया है ये भी। तो गाइस यार मुझे पता है क्या लगता है कि अरीना वॉर के अंदर ना सभी व्हीकल्स आगे से बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं, जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो इस गाड़ी में भी ना आगे बहुत ही बुरी तरह आग लगी होगी, क्योंकि सारी गाड़ियां ना आगे से ही टक्कर मारती हैं एक दूसरे को। बाकी यार ये वाली जो गाड़ियां ना ये मेरे को बिल्कुल सही सलामत दिख रही है, बाकी जो चार गाड़ियां भाई वो तो बुरी तरह जल चुकी है। तो मेरे हिसाब से बिग माफिया का भाई इसको ही जीता होगा, क्योंकि जो पिछले चार साल से जीत रहा है उसकी गाड़ी हमने फोड़ दी थी, और यहां पर ये वाली गाड़ी बिल्कुल सही लग रही है। चलो भाई बिल्कुल सही, यहां पर देखो इसकी ये वाली गाड़ी जो है सही सलामत आ गई, और टूर्नामेंट का रूल यही है कि जिसकी गाड़ी एंड में बचेगी वो जीत जाएगी।
जाएगा। तो यहां पर बिग माफिया के भाई की एक गाड़ी, ये वाली जो बनी ने मॉडिफाई कर दी थी, ये गाड़ी एंड में बच गई है, यानी कि बिग माफिया का भाई इस वॉर को जीत चुका है। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहां पर ये वाली गाड़ी देख पा रहे हो भाई, कितनी बुरी हालत इसकी हो रखी है। मेरे को तो लग रहा है कि गाड़ी ना ग्राउंड में जाती ब्लास्ट हो गई होगी। तो भी ना जल्दी से मैं आगे चलता हूं वर्कशॉप के अंदर और यहां पर देखते हैं बैनी कहां पर है, क्योंकि यार ये जो टूर्नामेंट अब जीते हैं सिर्फ बैनी की वजह से जीते हैं। और यहीं पर बैठकर बैनी ने सारी की सारी गाड़ियां मॉडिफाई करी थी और यहां पर सामने वाली वॉल पे उसने अपना नाम भी लिख लिया बैनी। चलो भाई बहुत सही है। अभी ना यार बैनी मेरे को यहां पर नजर नहीं आ रहा, वैसे उसका काम खत्म हो गया, अब थोड़ी वो कोई गाड़ी मॉडिफाई करेगा। तो ये देखो भाई, ये है वो स्टेडियम जहां पर ये अरीना वॉर का टूर्नामेंट हुआ था और अभी यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी गाड़ियां ब्लास्ट होती है, इतनी सारी गन्स चलती है, जगह एकदम पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती होगी। तो अभी ना जल्दी से यहां पर मैं अंदर चलता हूं और देखते हैं बैनी कहां पर है। और जो बिग माफिया का भाई है ना, उसको मैंने बोला था कि मेरे को पेमेंट करने यहीं पर आ जाना, मेरे हिसाब से वो आ गया होगा। नहीं आया होगा तो मैं कॉल करूंगा, बाकी उत्तरी भैंस के रंग वो तो आ रखा है। यहां पर अंदर उसके मतलब जो चेले चपाड़े हैं वो खड़े हुए हैं और सामने वॉल पे फरारी की फोटो लगी। और ये इतने सारे पैसे किसने फेंक रखे हैं, एक सेकंड, ओ भाई अंदर भी इतने पैसे। ओ भाई साहब, ये $1 बिलियन जीता है ना, उसकी खुशी में यहां पर मेरे को लग रहा है इसने $100 मिलियन तो यूं ही उड़ा दिए हैं। आप लोग यहां पर जमीन पर देख पा रहे हो कितना पैसा इसने फेंक रखा है। और ये रहा बिग माफिया का भाई, जल्दी से मैं इससे बात करता हूं और अपनी पेमेंट लेकर मैं यहां से निकल लेता हूं। तो गाइस यार देखो, मेरा मन तो ये कर रहा है कि मैं इसको मारूं और यहां पर से सारा का सारा पैसा लेकर भाग जाऊं, लेकिन यार इसके पीछे जो चेले चपाड़े खड़े हैं ना भाई, ये इनको गोली बजाने में ना टाइम नहीं लगने वाला। फिलहाल इसने मेरे को भी $250 मिलियन के डायमंड्स दे दिए हैं, यानी कि जितना पैसा हमारा बनता था वो हमें सारा का सारा मिल चुका है। तो भी ना जल्दी से मैं यहां से निकल लेता हूं फटाफट से। तो यहां पर भी फटाफट नीचे वाले फ्लोर पर चलते हैं और यहां पर उत्तरी बहनी यहां पर आराम से फुल मजे में सो रहा है बेचारा। चलो कोई नहीं, बहुत ज्यादा इसने मेहनत करी है और ये जब अपना उठ जाएगा तो ये अपना घर पर आ जाएगा, यानी घर नहीं अपने शोरूम पर आ जाएगा। तो भी ना जल्दी से यहां से मैं निकल लेता हूं सीधा अपने घर के लिए, क्योंकि अपने को $250 मिलियन मिल चुके हैं। अब यार देखो, वहां से ना बाहर निकलते निकलते बिग माफिया के भाई ने मुझे ये बोला था कि जैसे तुम मेज बैंक अरीना से बाहर निकल जाओगे वैसे तुम्हें एक मेरा कॉल आएगा और उस कॉल को अटेंड जरूर करना, काटना मत। पता नहीं ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात है जो कि बिग माफिया का भाई मेरे से फेस टू फेस नहीं करना चाहता। पता नहीं यार देखो, जो उसने मेरे को $250 मिलियन का डायमंड दिया ना, मुझे शक हो रहा है कि डायमंड्स कहीं नकली ना हो। वैसे यार वो बंदा तो बहुत ज्यादा बढ़िया, डायमंड्स नकली नहीं होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ दिनों पहले मतलब काफी टाइम पहले उसी को मैंने बेचे थे $600 मिलियन के डायमंड। वैसे मेरे हिसाब से उसी के अंदर से कहीं इसने निकाल के दे दिया, बाकी यार डायमंड्स तो असली होंगे। तो मुझे अपने पैसों से मतलब है, बस मेरे को $250 मिलियन मिल गए, बाकी लोग भाड़ में जाए। वैसे यार जब मेरे पीछे लैम्बोर्गिनी सियान से खड़ी हुई है तो रेंज रोवर से जाने का कोई मतलब नहीं है। तो जल्दी से मैं अपनी लैम्बोर्गिनी सियान में बैठता हूं और ये जितना भी डायमंड है इसको मैं अपने घर पर चल के सेफ रख दूंगा। और यार एक तो ये ट्रेवर कहां पर रह गया समझ नहीं आ रहा। चलो भाई यहां पर ट्रेवर भी आ गया, पता नहीं कहां पर चला गया था, ये पीछे की तरफ में चला गया होगा शायद ट्रक वगैरह देखने। तो भी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को यहां से बाहर निकालता हूं और सीधा निकल लेते हैं अपने घर के लिए, और बाहर निकलते उसका कॉल भी आना है तो वो भी अटेंड करेंगे। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैंने अपनी गाड़ी जो है मेज बैंक अरीना वर्कशॉप से बाहर निकाली और यहां पर बाहर निकलते ही ना मेरी बिग माफिया के भाई से भी पूरी पूरी कॉल पर बात हो चुकी है। और यार वो ये कह रहा है कि आपको गाइस यार याद होगा काफी टाइम पहले ना हमने डायमंड कैसीनो से कुछ पेंटिंग्स चुराई थी और वो सारी की सारी पेंटिंग्स ना हमने बिग माफिया के भाई के लिए चुराई थी और उन पेंटिंग्स का ऑनलाइन मार्केट में $1 बिलियन का प्राइस है। तो वो जो पेंटिंग है ना इसने किसी बंदे को ऑनलाइन बेची, मतलब सारी की सारी पेंटिंग उसके घर पर भेजी, लेकिन वो जो बंदा ना भाई पेंटिंग्स लेकर फरार हो गया, यानी कि इसने इन पेंटिंग्स के पैसे इसको नहीं दिए। तो गाइस यार देखो, बिग माफिया का भाई हमें ये कह रहा है कि अगर तुम मेरे को उस बंदे की पेंटिंग्स वापस लाकर दोगे या फिर उस बंदे को ही पकड़ कर ले आओगे जो इसके पैसे नहीं दे रहा है, तो उसके बदले ही हमें देने वाला $100 मिलियन। आपको तो पता ही होगा पैसों की जरूरत हमें एवरी टाइम रहती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसके लिए हम लोग ये वाला काम करने के लिए भी रेडी हैं। बट यार उस बंदे का ना नाम पता है ना, लोकेशन पता है, सिर्फ सिर्फ इसका एक फोन नंबर है। तो आपको तो पता ही होगा लेस्टर जो है फोन नंबर ट्रेस करने में एकदम माहिर है। तो भी जल्दी से ना उसका फोन नंबर मैं लेस्टर को दूंगा और उससे लोकेशन लेते हैं कि वो जो बंदा आखिरकार रहता कहां पर, इस टाइम कहां पर छुप कर बैठा हुआ है। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मेरी यहां पर लेस्टर से बात हो चुकी है। लेस्टर को मैंने वाला नंबर जो है ट्रेस करने के लिए दे दिया ताकि वो जल्दी जल्दी उसकी लोकेशन निकाले और हम लोग वहां पर जाकर उस बंदे को पकड़ कर लाए या फिर उससे पेंटिंग्स लेकर आए। और उसके बदले आपको पता ही है बिग माफिया का भाई हमें देने वाला है $100 मिलियन एक्स्ट्रा। अब यार देखो, वो जो काम है ना मतलब कि मोबाइल नंबर ट्रेस करना, लेस्टर कह रहा है हो तो बहुत ज्यादा आसानी से जाएगा, बट यार थोड़ा बहुत इसके अंदर टाइम लगने वाला है। तो अभी मैंने उसको नंबर दे दिया, जैसे ही वो उसका नंबर ट्रेस करता है उसकी लोकेशन हमें बताता है, हम लोग वहां पर जाकर उस बंदे को पकड़कर कूटने वाले हैं। लेकिन यार लेस्टर अभी ये कह रहा है कि जो अपना लॉस्ट गैंग से बदला लेने का जो प्लान है। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते हुए उसी लोकेशन पर पहुंचने वाला हूं जहां पर लॉस्ट गैंग के बंदे अपना अड्डा जमा कर बैठे रहते हैं। तो वहां पर ना जाते ही मैं इनको मारना शुरू कर दूंगा और यार मुझे ना दो बंदों को जिंदा छोड़ना है ताकि मैं उनको अपनी गाड़ी में भर कर ले जाऊं और उनको लेस्टर के हवाले कर दूं ताकि वो उन्हें कूट कूट के उनसे पूछताछ करे। तो यहां पर फिलहाल मेरे को कोई भी बंदा नजर तो नहीं आ रहा और अंदर ही है लॉस्ट गैंग के बंदे। तो यहां पर ओ भाई साहब, इन्होंने भी आते ही माइकल को देख लिया है और यहां पर अब ये लोग भाई बहुत ही बुरी तरह मारने वाले हैं, क्योंकि 5 से 6 बंदे मेरे को नजर आए थे और पीछे की तरफ में भी
काफी सारे बंदे हैं। मैं सोच रहा था पीछे घुस के मार दूं और यहाँ पर भी 3 से 4 बंदे थे और भाई चारों के मैंने बहुत ही बुरी तरह गोली मारी है, सारे के सारे मर गए। और भी यहाँ पर बंदे आ गए, कोई नहीं एक एक करके सबको मारेंगे भाई, बहुत ही बुरी तरह मुंह तोड़ूंगा। तो तू भी निकल बेटा पहली फुर्सत में। और यहाँ पर ट्रैवर भी मेरे पीछे पीछे आ रहा है, सामने से और भी बंदे आ गए, इनको भी नहीं छोड़ने वाला भाई। ट्रैवर तू भी गोली मार। ओ भाई साहब क्या गोली मारी है इसने, मतलब कि इतना तगड़ा शॉट आया कि मैं गिर गया। चलो भाई यहाँ पर ऐसे ट्रैवर का निशाना भी सही है, चलते चलते बंदे के फुल एकदम रनिंग शॉट बजा रहा है। और यहाँ पर आगे भी दो बंदे, पीछे से भी दो बंदे आ गए, इनको भी निपटाना पड़ेगा। तू निकल बेटा पहली फुर्सत में। और आगे से एक सेकंड रुक जाओगा, ये देखो ये आ रहा गंजा, इसके भी दिया, तू भी निकल। अभी फिलहाल मेरे हिसाब से जितने भी बंदे थे ना यहाँ पर, इनको मैंने मार दिया और हमें ना दो बंदों को जिंदा छोड़ना है। अभी जिन जिन के भाई देखो मथे और चेस्ट पे गोली लगी है वो तो नहीं बचने वाले, बाकी जिनके पैर वैर पे गोली लगी है उनके अंदर थोड़ी सी सांस बाकी होंगी। बट यार मेरे को यहाँ पर पीछे से और भी बंदे आ गए, एक सेकंड आराम आराम से फाइट लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इनको भी नहीं छोड़ूंगा भाई। पुलिस भी जा रही है अगल बगल से, और अगर पुलिस को पता चल गया ना तो भाई फिर और ही ज्यादा झमेला हो जाएगा। तो अभी ना एक काम करता हूँ, इनके ना पैर पे गोलियां मारता हूँ, क्योंकि भाई इनसे पूछताछ करनी है, जिंदा नहीं मारूंगा, इसलिए एक के पैर पे गोली मारी और दूसरे वाले के भी पैर पे गोली मार दी। चलो सही है, यहाँ पर दो बंदों को मैंने डाउन कर दिया, और कोई तो नहीं है। अगर यहाँ पर एक भी बंदा जिंदा बचा हुआ ना तो फिर वो अपने और बंदे बुला लेगा, जैसे पिछली बार आए थे वैन में। तो यहाँ पर इन दोनों बंदों को मैंने पैर पे गोली मारी है, यानी कि इनमें अभी थोड़ी बहुत जान बची है। तो जल्दी से ना इनको किसी वैन के अंदर भरते हैं और यहाँ से लेकर सीधा निकल लेते हैं। फिलहाल मेरी लैम्बोर्गिनी सियान बाहर खड़ी है, उसको बाहर ही रहने देते हैं। तो जल्दी से ड्राइवर बाहर निकल, इन दोनों को गाड़ी में डाल। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल यहाँ पर लॉस गैंग के दो बंदों को हमने अपनी गाड़ी में भर लिया और ये गाड़ी भी द लॉस गैंग वालों की है। तो अभी ना जल्दी से हम लोग गाड़ी के अंदर बैठते हैं और इनको मैं सीधा ले जाने वाला हूँ लेस्टर के पास, और लेस्टर इन्हें कूट कूट के फिर इनसे पूछताछ करेगा। तो चलो यार अभी ना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी से मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने दोनों बंदों को अपनी गाड़ी में भर लिया और इन दोनों को मैं लेकर जाने वाला हूँ सीधा लेस्टर के पास, और लेस्टर इनसे पूछताछ करेगा इनकी कुटाई कर करके और इनके सारे के सारे सीक्रेट्स बाहर निकलवाएगा। और यहाँ पर ना इन्होंने हर साइड के रास्ते बंद कर रखे हैं, वैसे इधर का रास्ता थोड़ा सा खुला है। तो जल्दी से अपनी गाड़ी को मैं बाहर निकाल लेता हूँ और लेस्टर को फोन करके पूछ लेता हूँ कि इनको कहाँ पर लेकर आना है और कहाँ पर नहीं ले जाना। तो ठीक है अभी जल्दी से वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। तो ओके गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से पूरी की पूरी बात हो चुकी है। लेस्टर कह रहा है कि इन दोनों को लेकर जल्दी से फ्रैंकलिन के घर पर पहुंचो, और थोड़ी देर में वो भी वहीं पर आने वाला है। और अभी फिलहाल यहाँ से ना फ्रैंकलिन का घर एकदम पास में ही है। मैं तो लेस्टर के सीक्रेट बेस के लिए जा रहा था, बट यार यहाँ पर इसने खुद ही बोला कि फ्रैंकलिन के घर पर आ जाओ, ये पता नहीं लॉस सैंटोस वापस क्यों आ रहा है। तो चलो गाइस यार कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ना जल्दी से मैं फ्रैंकलिन के घर पर चलता हूँ, लेस्टर के ना आने का वेट करते हैं, देखते हैं लेस्टर कब तक आता है और आते ही ये क्या प्लान बताने वाला है, और इनको कूट काट के इनसे ना एकदम मस्त तरीके से पूछताछ करने में भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो ना अभी जल्दी से यहाँ पर अपनी गाड़ी को मैं अंदर पार्क कर देता हूँ और उसके बाद इन दोनों की बॉडी ना थोड़ी देर के लिए यहीं पर रहने के, वैसे बॉडी नहीं है, जिंदा है अभी, मरे नहीं है। तो भी फटाफट से इन दोनों को यहीं पर रहने देते हैं, ऐसे गाड़ी में तो है ना कहीं पता लगा गिर गए, तो दोनों अभी गाड़ी में बैठे हैं, सही है। तो थोड़ी देर यहीं वेट करते हैं लेस्टर के आने का। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर फ्रैंकलिन के घर पर खड़े खड़े बहुत ज्यादा देर हो गई है, मेरे हिसाब से अब ये लोग आने वाले होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने कॉल करा था उस हिसाब से ये पहुंचने वाले होंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फ्रैंकलिन और लेस्टर दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। तो जल्दी से ना इन दोनों को लेस्टर के हवाले करते हैं और लेस्टर इनकी कुटाई करेगा और इनके सीक्रेट हमें पता चल जाएंगे। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल इन दोनों को मैंने इनकी गाड़ी से बाहर निकाल कर इनकी गाड़ी को बाहर खड़ा कर दिया और यहाँ पर अब इनकी कुटाई हम लोग शुरू करने वाले हैं, बहुत ही तगड़ी वाली। बट उससे पहले ना कुछ ढंग के हथियार मैं ले लूँ ताकि इनका एकदम मस्त तरीके से मुंह तोड़े। तो सबसे पहले इसके लात पड़ने वाली है और उसके बाद इसके लात पड़ेगी। तो चलो भाई अब हम लोग इनकी बहुत ही बुरी वाली कुटाई करने वाले हैं। वहां पर वो तो बेचारा एक लात में ही ढेर हो गया, लेकिन अभी भी ये वाला जो बंदा ये कुछ ज्यादा ही छोड़ा हो रहा है, तो इसके अभी भी रख रख के पड़ने वाले, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ही बुरा वाला मारेंगे सब लोगों से मिलके। जब तक ये अपने सीक्रेट्स नहीं बताएगा तब तक हम लोग इसका भूत बनाते रहेंगे, चारों लोग मिलकर मारेंगे इसे बहुत ही बुरे वाला। अब मैं चाहूं तो ऐसे अकेले भी मार दूं, बट यार चारों जब मिलकर मारते हैं ना थोड़ा बंदा सामने वाला डर जाता है। तो चलो गाइस यार अभी ना इसको ये तीनों संभाल ले, लेकिन ये मेरे पे लड़ने के लिए आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इसको मैं तो बहुत ही बुरी तरह मारने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पे रेंच है और रेंच जब बंदे के मुंह पे पड़ता है ना तो फिर बहुत ही बुरी वाली लगती है। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल इस बंदे को हम लोग बहुत देर से मारे और मार मार के ना भाई इसका एकदम भूत बना दिया है। और जो इसका पार्टनर था ना भाई, उसके तो एक लात पड़ी थी, वो बेचारा तब से उठा ही नहीं है। तो अभी ना लेस्टर ने मुझे उस बंदे की ना लोकेशन बता दिया, जिसका मैंने मोबाइल नंबर इसको ट्रेस होने के लिए दिया था, और भाई ये मेरे को पता नहीं क्यों मारने आ रहा है। तो देखो भाई आपको याद होगा बिग माफिया का भाई हमें $100 million दे रहा था उसकी पेंटिंग्स लाने के लिए। तो अभी ना जिसने पेंटिंग चुराई है उसका नंबर हमने लेस्टर से ट्रेस करवाया था और उसकी जो लोकेशन है ना वो लेस्टर ने निकाली और मेरे को बता दिया है। तो अभी ना जल्दी से मैं ट्रेवर को अपने साथ ले जाने वाला हूँ उसके घर पर, और अगर उससे मेरे को पेंटिंग मिलती है तो हम लोग पेंटिंग ले जाकर दे देंगे, और अगर पेंटिंग नहीं मिली तो हमें उस बंदे को किडनैप कर ले जाना पड़ेगा। पता नहीं वो बंदा कौन है, क्या पता बहुत बड़ा
होगा, गैंगस्टर भी हो सकता है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये लोग तो अपना लड़ते रहेंगे, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, इसको लेस्टर और फ्रैंकलिन दोनों संभाल लेंगे। तो चलो गाइस जरा बिना फटाफट से यहाँ पर मैं गाड़ी में बैठकर निकल लेता हूँ। और वो जो लोकेशन मेरे को मिली है ना, वो यहाँ से कोई ज्यादा दूर जगह नहीं है, वो यहाँ से बहुत ज्यादा पास है। बिना चलकर देखना पड़ेगा आखिरकार वहां पर कौन रहता है, और उसने अगर पेंटिंग चुराई है तो उसके पैसे क्यों नहीं दे रहा, क्या पता कोई अपना दोस्त तैयारी निकले। तो इसलिए जाते ही ना डायरेक्टली मारना नहीं शुरू कर दूंगा, पहले देखूंगा आखिरकार है कौन, फिर उसको मारना शुरू करेंगे अगर जान पहचान का बंदा नहीं हुआ तो। भी जल्दी से वहां पर चलते हैं, और अगर ये वाला काम कर देते हैं हम लोग बिग माफिया के भाई के लिए तो सीधी सी बात है हमें मिलने वाले हैं $100 मिलियन। तो चलो गाइस कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी जल्दी से चलते हैं उस लोकेशन पर। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाते उस बंदे के घर के एकदम पास पहुंचने वाला हूं। उसका जो घर है ना वो फिलहाल सामने वाले रोड पे है, लेकिन यार मैं उधर से नहीं जाने वाला क्योंकि मैंने पहले घर को एकदम बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर करूंगा कि आखिरकार वहां पर कितने गुंडे बदमाश उसने रखे हुए हैं, क्योंकि ना मेरे को डायरेक्टली जाकर ना वहां से उससे पेंटिंग छीन कर लानी है। तो अगर मैं सीधा जाकर उसे मारने लग जाऊंगा ना तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो आप लोग को ना यहां से घर तो बिल्कुल सही तरीके से नजर आ रहा होगा, एक बार ना मैं गाड़ी से उतर के देखता हूं कि आखिरकार ये कितना बड़ा घर है और अंदर कितने गुंडे हैं। तो कि गाइस यार एक बार ना इस घर में घुसने से पहले पूरे घर को बढ़िया तरीके से स्काउट कर लेता हूं कि यहां पर कितने गुंडे बदमाश इस बंदे ने रखे हुए हैं। तो यहां पर अगर आप नीचे की तरफ में देखोगे ना तो 2-3 बंदे मेरे को दिख रहे हैं, और सामने टॉप फ्लोर पे तो बहुत सारे गुंडे बदमाश हैं, और यहां पर सीढ़ी पर भी एक बंदा है और नीचे की तरफ में भी 2-3 बंदे हैं। यानी कि जो भी बंदा है ना भाई, इसके पास सिक्योरिटी तो बहुत ज्यादा है, यानी कि भी जो लड़ाई है वो बहुत ज्यादा तगड़ी होने वाली है। और मुझे कुछ भी कर इससे पेंटिंग्स चाहिए तो चाहिए, क्योंकि उसके बदले मेरे को बिग माफिया का भाई भाई $100 मिलियन दे रहा है। तो $100 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं है, उसके लिए हम कितनी भी बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो जल्दी से मैं चलता हूं भाई साहब, यहां पर इनको हमारे ऊपर शक हो गया, उसके एक बंदे ने ना पहले ही हमारे ऊपर गोलियां चला दिया। मेरे को लग रहा भाई अभी ना काम खराब होने वाला है, और एक बंदा नीचे खड़ा है, भाई साहब जी तुम्हारे बंदे हमारे को बेमतलब गोलियां मार रहे हैं और हम क्या तुम्हें छोड़ देंगे। भाई मारना शुरू कर ड्राइवर, इन्हें किसी को नहीं छोड़ना, नीचे की तरफ में कि नीले को मार। तो चलो गाइस यार एक बार ना मैं जल्दी से घर के अंदर चलता हूं, यहां पर गेट खोलो भाई, मेरे को भी पता करना आखिरकार कितने बंदे यहां पर है। भाई ये जो जगह है ना बहुत ज्यादा डेंजरस लग रही है, एक बंदा सामने की तरफ में खड़ा हुआ था, इसके तो मत्थे पे गोली मारी टकले गए। तो भाई साहब यहां पर ना इन बंदों को मारते ही इतना ज्यादा शोर मचने लग गया, पूछो मत। मेरे को पता क्या लग रहा है कि यहां पर ना बहुत सारे बंदे हैं। तो ऊपर की तरफ में देखो एक बंदा जो कि मेरे को वहीं से गोली मारने की कोशिश कर रहा है। चलो कोई नहीं, यहां पर इनको तो मैंने डाउन कर दिया, और अभी ना इस वाले फ्लोर पर भी काफी सारे बंदे हैं, तो सबको मारने वाला, शीशा तोड़ो पहले ताकि मैं सही से मार पाऊं। ये जो बंदा है ना किचन के पीछे चला गया, भाई यहां से मैं नहीं मार पाऊंगा, इनको बहुत तगड़ा कवर मिल रहा है। और ट्रैवर जो है ना बाहर से बंदों को देख रहा है कि वो लोग बाहर से अंदर ना आए, क्योंकि बाहर की तरफ में भी बंदे थे। तो भी फटाफट ना मैं थोड़ा सा ऊपर चलता हूं यहां पर इन शीशों को तोड़ के, और एक बंदा इस तरफ आया था बट यार वो मुझे बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है। तो यहां पर आराम से मैं बैठता हूं, फिर मैं इनको मारूंगा। एक बंदे को तो मैंने मार दिया था, और पीछे की तरफ में मेरे को कोई भी नजर नहीं आ रहा, उतर ये खड़ा हुआ। तो बेटा निकल तू, और गंजे तू भी निकल, ठीक है। यहां पर इसको मैंने मारा, और बाहर भी बंदे थे, शिट मैं भूल गया था भाई, यहां पर ना बाहर भी काफी सारे बंदे, तो इनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। और इन्हीं का ध्यान तो ट्रैवर रखने गया था, पता नहीं ट्रैवर किनको मारने में बिजी हो गया। चलो कोई नहीं, यहां पर मैं इनको मार के इनका खेल खत्म करता हूं। यहां पर ये भी गया, ये भी गया, दो बंदे मैंने मार दिए, और अभी भी यहां पर बहुत सारे बंदे बचे, ऊपर वाले फ्लोर से मार रहे। तो चलो भाई इसका भी खेल मैंने यहां पर खत्म कर दिया। अब यार जो बंदा है और जो पेंटिंग्स है वो तो यहां पर उनको नजर नहीं आ रही, फिलहाल गुंडे गुंडे नजर आ रहे हैं, लेकिन जो इनका बॉस है यार वो मेरे को अभी तक कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, शायद से वो ऊपर वाले फ्लोर पर होगा। और ये देखो एक गंजा हेरा तू भी निकल, भाई गंजे गंजे भरे पड़े हैं इस घर में। तो यहां पर जितने भी बंदे थे ना, यहां पर मैंने मैक्सिमम बंदे तो नीचे वाले फ्लोर से ही मार दिए थे, बट मेरे को पता है अभी क्या लग रहा है कि यहां पर ना अभी भी बहुत सारे बंदे बचे। वो देखो नीचे वाले फ्लोर पर बंदे खड़े हुए हैं, तो इनको मैंने मार के इनका खेल खत्म कर दिया। अभी ना थोड़ा सा और आगे चलता हूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा ट्रैवर कहां पर रह गया, शायद से ट्रैवर नीचे वाले बंदों का ध्यान रख रहा है, क्योंकि ना नीचे से मुझे बंदों की तो आवाज आ रही है। और ये देखो एक बंदा यहां बाहर खड़ा हुआ, तो तेरी ऐसी की तैसी, इसको ना मैं बाहर जाने से बढ़िया ना अंदर से ही मारता हूं, अगर निशाना लगेगा तो मैं यहीं से मार दूंगा। और ये बंदा कैसे मर गया भाई, पता नहीं कहां से इसके गोली लग गई है। और यहां पर बाहर की तरफ में देखो बंदे तो मेरे को दिख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा आराम से जाना पड़ेगा, तेरी ऐसी की तैसी निकल यहां से। भाई शीशे के पार गोली चला रहा है, बुलेट प्रूफ ग्लास था वो नूब। तो देखो भाई यहां पर अभी ना फिलहाल जितने भी बंदे थे मैंने सबको मार दिया, और यार जो यहां का हेड है वो तो मेरे को नजर नहीं आ रहा, और यहां पर जो पेंटिंग्स चाहिए थी वो भी मेरे को इधर कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। अब ये वाला जो गेट है ना इसके अंदर से बंदों के चिल्लाने की आवाज आ रही है, तो शायद से कोई ना कोई तो इसके अंदर है। भाई साहब यहां पर बहुत सारे बंदे हैं, गोलियां तो बहुत तेज चला रहे हैं, लेकिन बेचारे की रीलोड लग गई, तो यहां पर मैंने इसको मार दिया। और ये बंदा भी बहुत देर से चोड़ा हो रहा है, तो अभी इसको भी मैं मारूंगा। इधर आ, तेरी ऐसी की तरह से निकल तू भी, और तू भी निकल, रुक जाओ, इसके भी हेडशॉट बजा के मैंने इसे मार दिया। अभी तक मेरे को यार पेंटिंग्स कहीं पर भी नहीं मिल रही है, पता नहीं यार यहां पर भी पेंटिंग्स नहीं है। अब यार इधर ना एक चीज अजीब सी बड़ी, ओके तो यार ये तो कुछ नहीं है, वॉच की कलेक्शन है। अभी ना मैं ट्रैवर को ऊपर बुलाता
आता हूँ और एक बार ना नीचे वाला फ्लोर में चेक करके आता हूँ, शायद से नीचे वाला फ्लोर ना मैंने पूरा चेक नहीं करा है, और क्या पता हो सकता है कि पेंटिंग्स जो है यहीं पर रखी हो। फिलहाल ये तो भाई एरिया ही खत्म हो गया, ज्यादा बड़ा कर रही है, छोटा सा घर है। तो कि गाइस यार ऊपर वाले फ्लोर पर ना यहाँ पर ये वाला रूम तो मैंने चेक कर लिया था, इसके अंदर मैंने बंदे भी मारे थे, बट यार ये वाला जो रूम है ये शायद से रह गया था। तो यहाँ पर अंदर चलकर देखता हूँ ये क्या, उत्तर ये तो बाथरूम है और यहाँ पर ये है भाई साहब, तभी मैं कहूँ यहाँ पर कोई ना कोई बंदा तो है जो कि इन सबका हेड है। तो भाई साहब ये देखो मार्टिन मद्राजो जो कि काफी टाइम पहले हमसे बचकर भागा था, तो आज मैं इसको भाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और इसी के पास है सारी की सारी पेंटिंग्स, और अपने गुंडे बाहर रखकर ये इस वाले कमरे के अंदर छुप के बैठा हुआ है। तो यहाँ पर भी मैं इसको पहले तो बहुत ही बुरी तरह मारूंगा, उसको उठने नहीं दूंगा, और जब तक ये बताएगा नहीं पेंटिंग्स कहाँ पर है तब तक मैं इसे मारता ही रहूंगा। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं मार्टिन मद्राजो को मारता मारता बाहर लेकर आ चुका हूँ, और यहाँ पर ना भी मैं इसे अपनी गन दिखा देता हूँ तभी ये शांत होगा, वरना इतनी देर से चोना हो जा रहा है और अभी ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। चलो भाई अभी तो मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, और इसका घर है इसी को नहीं पता कि ये शीशा टूटा नहीं है, ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इसके पैर पे मैं गोली भजा देता हूँ ताकि मैं इससे सब कुछ पूछूं कि आखिरकार इसने पेंटिंग्स रखी कहाँ पर है, भाई बहुत देर से ये भागने में लगा हुआ है। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना मार्टिन मद्राजो को मार मार के भाई इसका भूत बना दिया है, और इसको मैंने दो ऑप्शन दिए, या तो पेंटिंग्स बता दे कहाँ पर है या फिर भैया मर जा। तो इसने बोला भैया मेरे को मारो मत, जितनी भी पेंटिंग्स है वो सारी मेरे घर पर मैंने लगा रखी है। तो चलो भाई अभी पेंटिंग्स हमें पता चल चुका है, भागने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी इसका खेल मैं खत्म कर देता हूँ, मत्थे पे गोलियां मार मार के चलो भाई मार्टिन मद्राजो को मार दे, और ट्रेवर की पुरानी दुश्मनी भी खत्म हो चुकी है। वैसे करे ट्रेवर के हाथों मरता ना तो ज्यादा बढ़िया रहता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल मैंने मारा ट्रेवर ने मारा एक ही बात है। तो चलो भाई मार्टिन मद्राजो का खेल यहाँ पर खत्म कर दिया, अभी ना जल्दी से इसके घर पर चलते हैं, सारी की सारी पेंटिंग्स निकाल कर हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं सीधा बिग माफिया के भाई को देने, और उसके बदले हमें मिलने वाले 100 मिलियन डॉलर। चलो भाई बहुत सही, यहाँ पर अपनी गाड़ी कहाँ चलेगी, शायद से ट्रेवर लेकर गया होगा उस साइड, क्योंकि ट्रेवर को मैंने देखा था ऊपर शीशे से वो साइड पर खड़ा हुआ था। तो भी जल्दी से मैं उस तरफ चलता हूँ ट्रेवर के पास। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से मैं चलता हूँ सीधा पीछे की तरफ में, यहाँ पर ये खड़ी अपनी गाड़ी और ट्रेवर भी ये आ गया, देखो अपना पीछे झाड़ियों में घूम रहा है। तो भी ना जल्दी से मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ और सीधा जाने वाला हूँ मार्टिन मद्राजो के घर पर सारी की सारी पेंटिंग्स लेने, और वो सारी की सारी पेंटिंग्स मैं ले जाकर दे दूंगा सीधा बिग माफिया के भाई को। तो भाई देखो आज ना एक बहुत ही बढ़िया चीज हो गई, जो अपने ट्रेवर की पुरानी दुश्मनी थी ना वो सारी की सारी खत्म हो गई है। आपको याद होगा काफी टाइम पहले अपनी लड़ाई चल रही थी मार्टिन मद्राजो से, तो बीच फाइट में ना मार्टिन मद्राजो जो है वहां से भाग गया था, और फिर उसके बाद ये हमें मिला ही नहीं था, और वैसे मैंने ढूंढने की कोशिश करी भी नहीं थी क्योंकि उस चीज में गलती ट्रेवर की थी। तो चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर जो भी हुआ बढ़िया हुआ, मार्टिन मद्राजो को मार के मैंने इसका खेल खत्म कर दिया, यानी कि ना अब हमें एक एक करके अपने सारे के सारे दुश्मनों को खत्म करना है। अभी एक दुश्मन यहाँ पर जा चुका है, एक दुश्मन बचा हुआ है बिग माफिया का बेटा, और दूसरा दुश्मन है लॉस गैंग और सेल्वाडोरन गैंग, तो इनको हम बाद में देखेंगे, इनको मारना इतना ज्यादा आसान नहीं है। तो अभी भाई साहब ये जो गाड़ी है भाई एक सेकंड फटी जाएगी, तो इस हिसाब से बाकी जो टक्कर है मार मार के मैं लाया हूं ना, गाड़ी के दोनों गेट गलती से खुले और दोनों गेट यहाँ से भी निकल चुके हैं। तो भाई अभी मैं बहुत ज्यादा आराम से सेफली चलाने वाला हूँ, और जो मार्टिन मद्राजो का घर है मैं इसके घर पर काफी टाइम पहले गया था, तो देखो भाई ये है मार्टिन मद्राजो का घर। तो भी ना बिना किसी देरी के फटाफट से मैं निकल लेता हूँ सीधा इसके घर के लिए। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ट्रेवर का भी गेट टूट गया, मेरा वाला भी गेट टूट गया है, तो बस अभी मेरे को अपनी गाड़ी को बहुत आराम आराम से चलाना है। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को कुछ ज्यादा ही तेज स्पीड में भगाता भगाता पहुंच चुका हूँ मार्टिन मद्राजो के घर पर, और मुझे ना अपनी गाड़ी को यहाँ से अंदर ले जाना है। और यार ये जो मेरी गाड़ी है ना इसके अंदर से काफी ज्यादा अजीब आवाज भी आने लगी है, क्योंकि काफी ज्यादा तगड़ी टक्करें लगी है इस गाड़ी में। तो अभी ना जल्दी से मुझे इसके घर के अंदर चलना है। तो भाई यार देखो अभी ना एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही कि मार्टिन मद्राजो वहां पर रह रहा है, उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड इस वाले घर में भी रखे हुए हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर खड़े होकर आराम से सिगरेट पी रहे, तो इन सबको मार के मैं इनका खेल खत्म करता हूँ। निकलो भाई, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, तू भी निकल बेटा, भाई सबको भी मैं बहुत ही बुरे वाला मारने वाला हूं। तो ये देखो भाई इसके गोली पड़ गई है फिर भी ये मेरे को मार रहा है, और यहां पर जो मार्टिन मद्राजो का घर है ना भाई मेरे को तो बहुत ज्यादा तगड़ा लगता है। तो यहां पर ना एक बंदे के चिल्लाने की, ओ भाई सब एक नहीं है दो दो बंदे यहां पर। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर जितने भी बंदे थे मैंने सबको मार दिया, फटाफट से ना अभी मैं मार्टिन मद्राजो के घर के अंदर चलता हूं। बाकी तो यार आप लोग यहां पर देख पा रहे हो इसका घर जो है ना भाई बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा आलीशान है। तो भी ना फटाफट से इसके घर के अंदर चलता हूं, और यहां पर पेंटिंग्स कौन से रूम में, फिलहाल ये तो इसका बेडरूम है, इसके अंदर तो कोई भी पेंटिंग वैसे भी नहीं मिलने वाली। और यहां पर ना एक रूम मेरे को और लग रहा है, और यहां पर कुछ बंदे, एक सेकंड रुक जाओ भाई साहब जी, गन अंदर रख भाई, मेरे को मारने जा रहा है, मैं इसको बोल रहा हूं गन अंदर रख। और यहां पर ये बंदा फोन किसको लगा रहा है, एक सेकंड रुक जाओ भाई साहब, फोन रखते रहिए ऐसे की तैसी। ओ भाई एक सेकंड, यहां पर तो काफी सारे बंदे हैं भाई, मेरे को लग रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक दो बंदे अंदर ही छुप के बैठे हैं। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो मार्टिन मद्राजो के घर में हर एक वॉल पे पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स लगी है, लेकिन यार मुझे ना ये नहीं समझ आ रहा कि वो कौन सी पेंटिंग्स है जो कि मैं डायमंड
ज्यादा सीन उसे चुरा कर लाया था, मुझे अच्छे से याद भी नहीं है। तो भी ना सारे के सारे रूम के अंदर चलकर चेक करता हूँ। फिलहाल ये तो यार अपना फालतू का रूम है, बाथरूम लग रहा था मुझे। और इस वाले रूम के अंदर भी भाई बहुत सारी पेंटिंग्स है, बट यार इनमें से वो वाली पेंटिंग मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आ रही जो कि मैं डायमंड कैसीनो से चुरा कर लाया था। तो एक काम करता हूँ, मैं ना आगे की तरफ में चलकर देखता हूँ, यहाँ पर ना बहुत सारी पेंटिंग है और एक पेंटिंग ये है। तो भाई देखो, ये वही वाली पेंटिंग है जो कि मैं डायमंड कैसीनो से चुरा कर लाया था। और जो जो पेंटिंग यहाँ पर महंगी है ना, वो सारी की सारी मुझे यहाँ से चुरानी है और सारी ले जाकर देनी है बिग माफिया के भाई को। तो चलो गाइस, यहाँ पर ना ये वाली पेंटिंग भी मैंने बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से चुरा लिया। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, नीचे जो ये अमाउंट लिख कर आता ना, ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, मतलब कि ऑनलाइन मार्केट में ना इसका बहुत ज्यादा अमाउंट है। तो यहाँ पर ना भी फटाफट से ये वाली पेंटिंग भी मैं चुरा लेता हूँ। मुझे ना टोटल 3 से 4 पेंटिंग चुरानी है क्योंकि उसने इसको 3-4 पेंटिंग बेची थी। बाकी यार ये जो घर है ना मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है, और जो इस घर का ऑनर था उसको तो मैंने मार ही दिया है। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला जो घर है मैं अपने कब्जे में कर लूँ। तो आपका क्या कहना है भाई, कमेंट में जाकर जरूर बताना। तो यहाँ पर 3 पेंटिंग अभी मैंने चुरा लिया है, जल्दी से मैं 4थी पेंटिंग भी लेकर यहाँ से निकल लेता हूँ। तो कि गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, मुझे ना अभी इस तरफ में एक पेंटिंग अलग और दिखी थी, और ये जो पेंटिंग है ना ये भी यार उसी कैटेगरी की है, मतलब जो कि बहुत ज्यादा महंगी बिकती है। फिलहाल सारी पेंटिंग ऑनलाइन बहुत ज्यादा महंगी बिक जाती है, बट ये जो है ना कुछ स्पेशल है। तो अभी फिलहाल यहाँ से मैंने सारी की सारी पेंटिंग जो भी मुझे चाहिए थी, जितनी मेरे को बिग माफिया के भाई को ले जाकर देनी है, वो फिलहाल यहाँ से मैंने चुरा लिया है। तो गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो भाई, मार्टिन मद्रासो का घर जो है ना यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा है, और ये पूरा का पूरा घर ना सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन आइटम से ही भरा हुआ है। मतलब कि हर एक वॉल पे पेंटिंग ही पेंटिंग और फ्लावर पॉट वगैरह रखे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन का सामान ही इसके घर पर मेरे को नजर आ रहा है। तो भी ना जल्दी से मैं इसके घर से बाहर निकलता हूँ। ट्रैवर कहाँ पर चला गया मुझे नजर नहीं आ रहा, और उसका बैक वाला एरिया भी बहुत ज्यादा बढ़िया, स्विमिंग पूल भी बहुत मस्त है। तो यहाँ पर ना मुझे इसकी एक गाड़ी चाहिए होगी, और यार मार्टिन मद्रासो के पास जितनी भी गाड़ियाँ थी वो सारी की सारी उसके उस वाले घर पर थी शायद से, और यहाँ पर इसके पास अभी कोई भी गाड़ी नहीं है, तो मुझे रोड से ही कोई गाड़ी उठानी पड़ेगी। और इतने सारे बंदों को मैंने मारा है ना भाई, पूछो मत। और ट्रैवर कहाँ पर चला गया भाई, कॉल लगाकर बुलाना पड़ेगा लग रहा है उसको। तो चलो गाइस यार, अभी ना फिलहाल यहाँ पर ट्रैवर भी मेरे साथ आ चुका है। यहाँ पर ना एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया गाड़ी अभी अभी आकर खड़ी हुई है, शायद से जो गुंडे बदमाश है ना वो लोग आए हैं ऐसी गाड़ी में। तो वो देखो भाई साहब, सामने की तरफ में और बंदे आ गए। अभी इनको पता ही नहीं है कि इनका जो मालिक है मार्टिन मद्रासो वो भाई मर चुका है, और ये लोग उसके घर की सिक्योरिटी के लिए मेरे को मार रहे हैं। आ जाओ भाई, जिसको भी भिड़ना है भिड़ लो। भाई ट्रैवर की गन कहाँ चलेगी मेरे को समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ट्रैवर आज मुक्के से लड़ना चाहता लग रहा है। तो चल भाई, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं, जल्दी से हम लोग गाड़ी में बैठते हैं, और ये जो सारी की सारी पेंटिंग्स है ये लेकर मैं निकल लेता हूँ सीधा बिग माफिया के भाई को देने के लिए। तो अभी कोई भी देरी नहीं करनी, अपनी गाड़ी जो है बहुत ज्यादा बढ़िया है, और ये खड़ी अपनी रेंज रोवर्स के दोनों टायर में पंचर मारता हूँ ताकि और कोई इसे चुरा कर ना ले जाए। भाई ये गाड़ी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, तो अभी फटाफट यहाँ से मैं निकल लेता हूँ। तो कि गाइस यार, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने बिग माफिया के भाई को कॉल लगाया था, उसको मैंने बता दिया कि सारी की सारी पेंटिंग्स मैंने उसके घर से चुरा लिया है, और वो जो बंदा था वो मार्टिन मद्रासो था, उसको मैंने मार भी दिया साथ के साथ। तो अभी ना उसने मेरे को बोला है कि जितनी भी पेंटिंग है सारी की सारी लेकर एयरपोर्ट पर आ जाओ, और वहीं पर वो मुझे पेमेंट भी कर देगा। तो चलो भाई, अभी बिना किसी देरी के चलते हैं एयरपोर्ट। तो कि गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाते पहुंचने वाला हूँ सीधा एयरपोर्ट। और बीच रास्ते में मैंने अपनी गाड़ी भी बदल ली थी, और ये जो गाड़ी है ना मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, सिंपल स्पोर्ट्स कार है बट बहुत सही है। तो चलो गाइस यार, अभी ना फटाफट से बिना किसी देरी के यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को एयरपोर्ट के अंदर एंटर करवा देता हूँ। भाई साहब गेट तो खोल दो भाई, ये वाला जो गेट है ना कभी नहीं खोलता है, मतलब कि जो सिक्योरिटी गार्ड है ना यहाँ पर एयरपोर्ट के, जब भी कोई महंगी सुपर कार देखते ना तो तुरंत गेट खोल देते हैं, और यहाँ पर जब कोई नकली कार देखेंगे सस्ती वाली कभी गेट नहीं खोलते, और इसी वजह से मैं इन लोग को हमेशा मारता हूँ। तो चलो गाइस, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी फटाफट से मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पर ना मुझे जाना सीधा वो, देखो बिग माफिया के भाई का प्लेन पीछे की तरफ में ही खड़ा हुआ है। तो चलो गाइस यार, अभी ना फटाफट से बिना किसी देरी के यहाँ पर मैं इसको सारी की सारी पेंटिंग्स दे देता हूँ, और ये यहाँ पर एक सेकंड में अपनी गाड़ी पीछे पार्क करता हूँ, कहीं पता चले कि ये लोग अपने प्लेन उड़ाने ना लग जाए और बीच में मेरी गाड़ी रास्ते में आएगी और फूट जाएगी। तो चलो अभी यहाँ पर अंदर की तरफ में आप देख पा रहे हो सिक्योरिटी गार्ड इसके साथ हमेशा रहते हैं। चलो कोई नहीं, अभी फटाफट से मैं इसको सारा का सारा पेंटिंग का बैग दे देता हूँ, और साथ में ले लेता हूँ $100 million। तो गाइस यार, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने बिग माफिया के भाई को पेंटिंग का बैग दे दिया, और साथ में मैंने उससे ले लिया $100 million। तो चलो गाइस यार, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ना इसके अंदर $100 million के डायमंड्स है, कोई पैसा वैसा नहीं है, यानी कि भाई बिग माफिया के भाई के पास ना भाई डायमंड्स बहुत ज्यादा, डायमंड की इसके पास कोई भी कमी नहीं है। तो भाई पता नहीं ट्रैवर अपना कहां टहलने में लगा हुआ है, तो जल्दी से इसको भी गाड़ी में बैठाते हैं, और अभी मैं सीधा यहां से निकल लेता हूं। और बिग माफिया ना अभी दूसरी कंट्री जाने वाला है, क्योंकि यहां पर ये $1 billion जीत चुका है, तो इसको ना काफी सारे गैंगस्टर से खतरा है, क्योंकि हो सकता है कि इसके ऊपर वो ऐसा छीनने के लिए अटैक कर दे, इसलिए अपनी कंट्री ये निकल रहा है। तो कि गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, बिग माफिया के भाई का जो प्लेन है वो टेक ऑफ के लिए रेडी हो चुका है। तो अभी ना फटाफट हम लोग भी यहां से निकल लेते हैं, बट पहले ना इसको जाने देते हैं। यहां पर देख लेते हैं इसका जो प्लेन है ना काफी ज्यादा यूनिक है, और देखने में भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो यहां पर ये तो फिलहाल निकल गया, तो अभी ना गाइस बिना किसी देरी के हम लोग भी यहां से निकल लेते हैं। तो चलो गाइस यार, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूं ओनली 5 लाख लाइक के लिए, तो सभी लोग जाकर जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो।
हो। और जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना और डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो मेरे से बात करने के लिए। इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।